शाखा में कुछ हुआ है, वो हो सकता है किसी माफिया का, कोई माफियागिरी का मामला हो। देखिए कि मदरसा बम बारूद का अड्डा है, ऐसी धारणा गलत है। मदरसा में सिर्फ पढ़ाई का काम होता है, अच्छा इंसान बनाया जाता है, और यही नहीं है कि सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है। दीनी तालीम के साथ ही चलता है, ये नहीं कि दीनी तालीम पहले या उसके बाद, साथ ही में दुनियावी तालीम की तालीम दी जाती है बच्चे को। बिहार के बांका में मदरसे में हुए ब्लास्ट के बाद मदरसे को लेकर के एक अलग धारणा बन रही है, और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के एक मदरसे में हैं और उसके रिलेटिव जानने आए कि आखिर मदरसा में होता क्या है। इसके नाजिम हमारे साथ हैं, उन्हीं से सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर मदरसे में क्या होता है। मदरसा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई का काम होगा, पढ़ाई लिखाई होता है। बांका में कुछ हुआ है, वो हो सकता है किसी माफिया का, कोई माफियागिरी का मामला हो, कोई ऐसा ग्रुप हो जो अभी बंद मदरसे की बिल्डिंग का कोई इस्तेमाल गलत कर करके और उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा हो और ये हादसा हो गया हो। मगर किसी भी कोई हादसा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि मदरसा बम बारूद का अड्डा है, ऐसी धारणा गलत है। मदरसा में सिर्फ पढ़ाई का काम होता है, अच्छा इंसान बनाया जाता है, और यही नहीं है कि सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन का भी बहुत सारे मदरसों में इंतज़ाम है, जैसा कि यहाँ इंतज़ाम है। क्या परिचय हुआ आपका, कौन मदरसा है? मरकजी मदरसा तेगिया अनवारुल उलूम मारीपुर मुजफ्फरपुर। क्या आखिर किस तरह की शिक्षा दी जाती है यहाँ, धार्मिक शिक्षा दी जाती है? ऐसा कहा जाता है कि कट्टरपंथ ज़्यादा होता है, बताया नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, और तरक्की जैसे हो रही है मदरसे में, आगे चलकर अगर मदरसा खुलने का जब ऐलान होगा तो अच्छी पढ़ाई आगे भी होगी। हम लोग पूरे जोर शोर से जितने स्टाफ लोग हैं कोशिश करेंगे आगे भी, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दुनियादारी यानी मॉडर्न एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है? बहुत ज़रूरी है वो, और वही यहाँ पे किया जाता है। दीनी तालीम के साथ ही चलता है, ये नहीं कि दीनी तालीम पहले या उसके बाद, वो नहीं, साथ ही में दुनियावी तालीम की तालीम दी जाती है बच्चे लोगों को। आप बताएं, आप तो अनुभवी हैं, ऐसा एक धारणा बन गया हुआ है कि धार्मिक इस्लामिक पढ़ाई की कराई जाती है और उससे कट्टरपंथा ज़्यादा आ जाता है बच्चों में और उसका असर पड़ता है। बांका की घटना को बाद धारणा बदल गई है, तो क्या कहेंगे आप, तो अनुभवी लोग? नहीं, ऐसा तो कुछ ये नहीं है। यहाँ जो हिफ्ज और आलिम फाजिल की पढ़ाई होती है और दुनियावी तालीम भी जो टेक्निकल वगैरह से दिया जाता है, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ जो है भाईचारगी के साथ रहने आई सब की तालीम दी जाती है। कि आलिम और फाजिल के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है यहाँ के मदरसों में, ऐसी बात नहीं है कि बांका की घटना के बाद जो एक धारणा बन रही है कि कट्टरपंथ और आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुजफ्फरपुर के मदरसे में जब हम रियलिटी चेक में आए तो ऐसा पता चला कि यहाँ पर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दुनियावी यानी मॉडर्न शिक्षा भी जाती है बच्चों के लिए, कंप्यूटर की और व्यावसायिक पढ़ाई की भी व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।